वो भाई तो बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है गो कार्टिंग। गाइस गो कार्टिंग रिकर का है और उदयपुर का फर्स्ट है ये गो कार्टिंग। वेलकम बैक टू प्रवीण नर्मा व्लॉग्स। तो अभी का सीन है कि आज है रंग पंचमी, तो आज हम जाएंगे जगदीश मंदिर क्योंकि वहां पे फूलों की होली और रंगों की होली खेली जाती है, तो चलेंगे आज वहां पर। एंड आज हम शायद हम जा सकते हैं आज गो कार्टिंग के लिए भी, जो F1 कार होती है ना उसका मिनी वर्जन होता है गो कार्टिंग में, तो वहां पर भी जाएंगे चलाने के लिए। तो हो सकता है हम जाए नहीं जाए, कुछ फिक्स नहीं उसका, बट देखते हैं जो भी होता है सीन। एक बार वहां पर जाते हैं जगदीश मंदिर। और मेरी आंख पूरी सूजी हुई देख रख सकते हो, यहाँ पे पिंपल हो गया आंख के ऊपर ही, क्या पता कैसे हो गया ये मुझे मालूम नहीं। और चैनल पर नया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और इससे पिछले वाला व्लॉग नहीं देखा हो तो जाके देखो, उसके ऊपर भी हमने पिज्जा वाला व्लॉग बनाया था, काफी अच्छा रिस्पॉन्स उसके ऊपर भी। तो चलो चलते एक बार जगदीश मंदिर। फाइनली हम आ चुके हैं जगदीश चौक, जगदीश मंदिर के बाहर। तो अभी मेरी सिस्टर यहाँ पे खड़ी हुई है साथ में, तो अब चलते हैं ऊपर। रंग पंचमी मनाई जा रही है तो ऊपर चलते हैं, इधर से होली खेल के आ रहे हैं, देख सकते हो लोग, हम भी खेलेंगे अभी ऊपर। ये सीन है यहाँ पर जगदीश मंदिर में, इस मंदिर में एंट्री ले ली और यहाँ पर होली खेली जा रही है, बहुत तगड़ी रंग पंचमी आज बेसिकली। आप लोगों को बताया पहले, अभी चलते हैं अंदर मंदिर के अंदर। ये देख सकते हो गाइस, जोरदार तरीके से होली खेली जा रही है, सब भरे हुए कलर में, मतलब पूरा होली टाइप लग रहा है। क्या बात कर रहे बाबा, भांग के लड्डू खाने की बोल रहा है। लो जी आपने होली का सीन तो पूरा देख लिया था, अंदर शोर से रहा था पूरा का पूरा, पूरा हमको भी भर दिया है। होली खेले थे यहाँ पे और मुझे भी पूरा रंग दिया, अभी ना के आया था, लिटरली अभी ना के आया था, अभी से कलर से हो गया। तो जब मैं बता तो ये फाग महोत्सव बन रहा था यहाँ पे रंग पंचमी के दिन, होली के मतलब एक सप्ताह हो गया, होली को गए हुए उसके बाद में बन रहा था। तो ये देख सकते हो ये मंदिर है यहाँ पे बन रहा है, लोग अभी गोल गोल बजा रहे हैं, उधर गर्ल्स वगैरह बॉयज वगैरह सब बैठे हुए हैं। लो जी हमने खेल लिया है फाग महोत्सव रंग पंचमी के दिन, फिलहाल लग गए हमारे भी फिलहाल। तो अभी का सीन ये है कि मैं नहा के रेडी हो चुका हूँ फिर से, क्योंकि वहाँ पे हमने होली खेली थी आप लोगों ने देखा रंग पंचमी में। तो अभी हम जा रहे हैं गो कार्टिंग के लिए, जो उदयपुर में फर्स्ट गो कार्टिंग खुला है, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तो वहाँ पे चलते हैं और देखते, बाहर का मौसम थोड़ा ठीक ठाक हो रहा है तो देखते हम करते हैं नहीं करते। वैसे आप लोगों को पूरा बताऊंगा गो कार्टिंग का, मॉल में खुला है तो मेरे फ्रेंड वहाँ पे आ रहे हैं तो अपन भी चलते हैं। और चैनल पर नया हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना यार। फाइनली मैं आ चुका हूँ अर्बन स्क्वायर मॉल के जस्ट बाहर, मेरा फ्रेंड अंदर खड़ा हुआ है तो अब चलते हैं अंदर। एंड गो कार्टिंग हम थोड़ी देर बाद में करेंगे क्योंकि मेरा एक और फ्रेंड आ रहा है हमारे साथ में। तो स्टारबक्स वगैरह तो आपने देख ही लिया होगा यहाँ का, मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है। उधर की साइड है गो कार्टिंग, तो उधर की साइड जाएंगे हम लोग। और ये कुछ है बच्चों के लिए गेमिंग वगैरह, तो एक बार चलते हैं अंदर। जैसे मॉल कुछ ऐसा है, मैंने पूरी प्रॉपर वीडियो बना रखी है इसके ऊपर, वो देख लेना। तो चलते एक बार ऊपर, थोड़ा घूम कर आते हैं हम लोग। स्केचर्स में है शूज़ वगैरह, देखते हैं यहाँ पर बढ़िया बढ़िया है शूज़। तो यहाँ पर वो सारे स्टोर वगैरह भी खुल गए हैं यहाँ पर, ट्रेंड्स वगैरह जो भी है स्केचर्स, पहले नहीं खुले थे, चल के आएंगे अभी ट्रेंड्स में। ट्रेंड्स में इधर चलते हैं, थोड़ा ऑफर चल रहा है देखते हैं, आते हैं समझ में आता है। 25% चल रहा है, फ्लैश महंगी बातचीत है भाई यहाँ पे। तो चलते हैं बाहर गो कार्टिंग के लिए, मेरा एक फ्रेंड हो रहा है, हम तीन जने करेंगे गो कार्टिंग। वो कह रहा है ना अंदर, हाँ तो ब्लॉग में तो लेंगे ना, उधर की साइड है गो कार्टिंग, तो चलते हैं हम लोग। गाइस गो कार्टिंग रिकर का है और उदयपुर का फर्स्ट है ये गो कार्टिंग, मतलब उदयपुर में पहली बार खुला है गो कार्टिंग। तो इसका टिकट विकेट का सीन देखते हैं किधर की साइड है, और ये पूरा ट्रैक बना हुआ है यहाँ का गो कार्टिंग का। ये मॉल के जस्ट पीछे की साइड है, इधर की साइड मतलब मॉल में अटैच है पूरा गो कार्टिंग, टायर वायर लगे हुए हैं। उधर चल रही राइड्स का वो है, क्या आते हैं उधर और देख के आते हैं टिकट वगैरह का क्या सीन है, फिर देखते हैं बैठना है नहीं, जाना है कि जाना है हमें। वैसे सब बाहर से लोग देख रहे हैं इसको सीन, तो बड़ा ट्रैक है, ट्रैक भी काफ़ी बड़ा है देख सकते हो।
मॉल जितना है ना उतना बड़ा तो इसका ट्रैक है। ये गाड़ियाँ पड़ी हुई अपनी है, अभी चल भी रही थी थोड़ी देर पहले। इसका टिकट वगैरह कहाँ से होता है? हाँ टिकट वगैरह, हाँ वो काले वो बात कर रहे पहले से किससे? कारें हैं छोटी छोटी F1 टाइप, इसमें होती है गो कार्टिंग अपना। ओ ऐसे चालू होती है गाड़ी, ये बढ़िया कर रहे हैं। ये वाली एक पड़ी हुई है, वो सारी मतलब कितनी, 1 2 3 4 5 6 कार है। वो वही स्टंट स्टंट बाजी ये। ओ भाई हेवी ड्राइवर हो रहे हो भाई, हेवी ड्राइवर है। शानदार चीज दिख रही है, स्कर्ट कर रहा भाई, तो स्कर्ट कर रहा है। देख सकते हो कितनी शानदार चल रही गाड़ी, गो कार्टिंग इसे कहते हैं, छोटी F1 कार होती है। ये उदयपुर में पहली बार आई है गो कार्टिंग। टिकट वगैरह पूछ लेते हैं पहले, उसका गो कार्टिंग का कितना है पर पर्सन, कितने मिनट के लिए क्या है। टिकट का मैं सीन थोड़ा बता देता हूँ आप लोगों को, 300 रुपये पर पर्सन 5 मिनट के लिए ओनली, और जितना मिनट ऊपर रहता रहेगा, जैसे 10 मिनट के 700 रुपये हो जाएंगे, तो वो सीन रहेगा। ये पड़ी हुई अपने सामने गाड़ी, जैसे बहुत सारी गाड़ियाँ पड़ी हुई है, इसके अंदर पेट्रोल वगैरह डलता है सिस्टमेटिक, ये चालू करके देंगे भैया। तो बहुत जोरदार लग रहा गाइस यार, मेरे को इच्छा हो रही है, बट थोड़ा अंधेरा टाइप हो रहा होने वाले ही से, आप क्या करते देखते हैं हम लोग। 300 रुपये यार थोड़ा महंगा तो नहीं है, ठीक है वाह, कभी कर आप आओ तो चल जाएगा। गो कार्टिंग वैसे भी उदयपुर में पहली बार ही खुली है, और राजस्थान में फर्स्ट तो जयपुर में खुली थी, सेकंड अपने उदयपुर में खुल गई है। इतना बड़ा ट्रैक है और इसका ट्रैक भी काफ़ी बड़ा है, स्कर्ट कर रहा है वाह जोरदार। ओ भाई झूला उड़ा दिया भाई जोरदार। नोट जा रहे हैं अभी गो कार्टिंग के लिए, भैया मतलब इनको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे करना है। अभी चालू होगी गाड़ी, आपको पूरा प्रॉपर बताऊंगा मैं। तो हो रही गाड़ी अपनी गो कार्टिंग के लिए। पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल है, पेट्रोल है भाई। अरे देवा वो भाई तो बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है गो कार्टिंग, इसमें ही एक फुल स्पीड में लाके कार्टिंग इधर हो रही है, लेकिन हम तो नहीं कर रहे गो कार्टिंग। टाइम थोड़ा अंधेरे टाइप होने वाले है, इसलिए अब वीडियो वगैरह में अच्छा नहीं आएगा। क्यों सही है ना, फिर बाद में करेंगे कभी। प्रॉपर ये झंडिया वंडिया मतलब यहाँ पे फ्लैग वगैरह भी नहीं लग रहे, गो कार्टिंग वगैरह होते हैं ग्रीन रेड येलो, तो ये फ्लैग वगैरह भी होते हैं, बट अभी वो नहीं है सीन। ये लोग तो कर रहे हैं भाई गो कार्टिंग का, आपने सीन देख लिया था, पर पर्सन 300 रुपये थे 5 मिनट के ओनली, तो हमने तो की नहीं अभी, मैंने टाइम बता दिया जैसे अभी 6 ऊपर हो गए हैं। और ये इधर अच्छी गो कार्टिंग चल रही है इनकी मर्सिडीज। और स्टारबक्स में हम आ चुके हैं, इसके ऊपर भी वीडियो पूरी बना रखी है मैंने। सीन है कि हम पी रहे हैं कॉफ़ी, जिसने भाई ने पी ली है और ये पी रहा है, मेरी भी इधर चल रही है कॉफ़ी, कॉफ़ी पीते हैं, बात करते हैं आप लोगों से। फिलहाल मैं घर पे आया हूँ, एंड आज के व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा आज संडे था और रंग पंचमी भी थी, तो हम जगदीश चौक गए थे, वहाँ पे थोड़ी होली सेलिब्रेट किया हम लोगों ने, आप लोगों ने जैसे देखा, और वहाँ पे काफ़ी मज़ा आया। और उसके बाद में हम गो कार्टिंग के लिए गए थे, गो कार्टिंग बेसिकली अपने अर्बन स्क्वायर मॉल में है, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, बस ये मेरे बताने के लिए कि हाँ ये है। और हम खुद भी राइड के लिए गए थे, बट हो नहीं पाया था क्योंकि अंधेरा थोड़ा हो गया था। और 300 रुपये पर पर्सन टिकट है, मैं टिकट भी बता देता हूँ, और आप 300 रुपये अगर दे रहे हो तो वर्थ इट होना चाहिए वो चीज़, अगर 300 रुपये मैं खर्च करता हूँ किसी चीज़ के ऊपर तो वर्थ इट होना चाहिए, इसलिए मैंने वो अंधेरा होने लगा था इसलिए मैंने की नहीं, बाद में करेंगे कभी जब भी जाएंगे हम लोग तो अब कर लेंगे, आप लोगों को बताएंगे। और जो भाई मुझे पूछता आपकी YouTube इनकम कितनी है, तो YouTube इनकम फिलहाल तो अभी नहीं आई है, जब भी आएगी तो मैं आप लोगों को पर्सनल व्लॉग में बताऊंगा। और आज मुझे एक सब्सक्राइबर भी मिल लेते हैं, तो भाई अच्छा लगता है मुझे भी आप लोग मिलते हो, तो अगर आप मुझे मिलते हो तो बस कह दिया करो, आपके व्लॉग वगैरह देखता हो तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और मैं थोड़ी जानता हूँ कि आप मेरे सब्सक्राइबर, आप आगे से कहोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि जो भी सब्सक्राइबर अगर मिलेगा तो मैं उसको ब्लॉग में भी लूंगा। आज तो मैं भूल गया लेना, उससे पहले भी मुझे एक सब्सक्राइबर मिले थे, तो 2 सब्सक्राइबर अभी मिल चुके हैं मुझे देखा जाए तो। और ये कुछ आज का ब्लॉग था, देखा होगा आप लोगों ने। एंड मीटअप का बात की जाए तो 23 तारीख को हमारा मीटअप रख देते हैं हम लोग टाउन हॉल में, नववर्ष की यात्रा भी, हिंदू नववर्ष की, तो अगर जो भी भाई मेरा उदयपुर से देख रहा है अगर आना चाहे तो आ सकते हैं, मेरे से मिल लेना आप लोग,
मुझे भी काफी अच्छा लगेगा दिल से, क्योंकि 1K हो गए हमारे, तो 1K भी बड़ी बात होती है एक यूट्यूबर के लिए कि हाँ 1K सब्सक्राइबर हुए, तो वैसा कुछ था सीन। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।